नमस्कार दोस्तों, क्या है ये जहां मैं हूं अभी? एक घरनुमा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। दरअसल मेटल शीट से एक घर बनाया जा रहा है और मैं हूं अभी टिकरी बॉर्डर के पास। किसान गर्मी से बचने का इंतजाम कर रहे हैं, पक्के मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं और अब तक जो किसान तंबू में थे, करात में थे, पॉलिथीन से बने प्लास्टिक शेड में थे, ट्रॉली में थे, वो किसान अब ऐसे ऐसे घर बना रहे हैं। ये घर कैसे बन रहा है और ऐसे और बहुत सारे घर या रहने के ठिकाने कैसे बनाए जा रहे हो आपको दिखाऊंगा। उससे पहले, ऐसे वक्त में जब किसान आंदोलन के 104-5 दिन हो गए, मोदी सरकार सोच रही है किसान थक जाएंगे, हताश हो जाएंगे, गर्मी की तपिश से परेशान हो जाएंगे और धीरे धीरे यह आंदोलन दम तोड़ देगा, सरकार का समर्थन करने वाली मीडिया, नेशनल चैनल के लोग, एंकर्स, एडिटर्स यही सोच रहे हैं आंदोलन दम तोड़ेगा, किसान लौट रहे हैं, जो बचे हैं वो भी लौटेंगे। लेकिन तस्वीर यहाँ कुछ और है। यहाँ किसान पक्के मोर्चे के साथ ऐसे घर बना रहे हैं जिसमें इस गर्मी से मुकाबला भी किया जा सके, लंबे समय तक यहाँ टिका भी जा सके। ठंड को तो झेल कर 3.5 महीने गुजार लिए, अब अगर गर्मी होगी, सूरज की तपिश, जब मई और जून की तपिश जब 45-46 डिग्री होगी, उससे कैसे बचा जाए, सीधी गर्मी से सूरज की रोशनी से कैसे बचा जाए, उसके इंतजाम अपने अपने ढंग से हो रहे हैं। क्योंकि किसानों ने ये तय किया है, चाहे टिकरी के किसान हो चाहे सिंघू के किसान हो, कि यहाँ से अभी हिलना नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे घर जो बनाए जा रहे हो आपको दिखाऊंगा। पहले के वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था, आप जरा अंदर आए अभिषेक, और जैसे आप देखिए ये ऊपर एस्बेस्टस की शीट लग रही है, चारों तरफ मेटल की शीट है। और एक दिलचस्प बात, ये प्रयोग है, ये किसान ही कर सकते हैं, ये इसमें इनोवेशन भी है कि 3.5 फीट ऊपर मेटल की शीट है, 3.5 फीट नीचे ये जो आप देखते होंगे कई जगह नर्सरी में ऐसे इस्तेमाल होता है ताकि रोशनी आए और हवा भी आए लेकिन बाहर की तपिश को रोके और थोड़ी ठंडक रहे और मच्छरदानी का भी काम करे। तो ये बनाया जा रहा है। अब ये कौन बना रहे हैं, कौन लोग हैं, ये सब इनसे ही पूछते हैं। ये देखिए ऊपर कुछ मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक की फिटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? मैं लाइट फिटिंग कर रहा हूँ, सब लाइट की जरूरत है, गर्म की जरूरत है, एसी लगाना है, फ्रिज लगाना है, उसके लिए बिजली की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, मैं उसके लिए बिजली की फिटिंग कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ एसी का इंतजाम भी होने वाला है? एसी का भी इंतजाम करेंगे जी, फ्रिज का भी इंतजाम करेंगे, इसका भी इंतजाम करेंगे। कहाँ से आए हो आप? पंजाब से हैं, जिला बरनाला से। बरनाला के हैं किसान, और यहाँ अब एसी और फ्रिज का भी इंतजाम हो रहा है, पंखे और लाइट का तो हो ही रहा है। तो आप इससे समझ लीजिए कि जो चैनल के एंकर्स, रिपोर्टर और सरकार के एजेंडे को बढ़ाने में जुटे मीडिया के लोग जो लगातार मान रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि मोर्चा खाली हो रहा है, किसान जा रहे हैं, गर्मी में परेशान होकर बच्चे खुचे भी चले जाएंगे, उन किसानों ने कैसी कैसी तैयारी की, अभी वीडियो में वही दिखाऊंगा। तो ये जो आप बना रहे हैं, इसका मतलब तो यही है ना कि नीचे से थोड़ी रोशनी और हवा आए, मच्छरदानी का इंतजाम भी हो, मच्छरदानी की तरह भी लगे। इसीलिए इंतजाम करेगा, ऊपर जो धूप लगने के तले हवा लगने वास्ते मच्छरदानी काम करेगी, तो नाले हवा लगेगी। नीचे आइए जरा, नीचे आइए आप, नीचे आइए। तो ये बताओ, मैंने तो ऐसा इस तरह से बनते हुए कहीं नहीं देखा, पहली बार यहाँ देखा तो रुक गया। तो ये आइडिया गांव में ऐसे बनाते हैं क्या आप लोग? ना, गांव में नहीं बनाते, बॉर्डरों में बनाते हैं। गांव में तो घर है, गांव में तो घर है, तो फिर यहाँ क्यों ऐसे बना है? ये तो रहने वास्ते, गर्मी का प्रबंध करनी होगा। ये सरकार है जो काले कानून ले आई है, वो रद्द नहीं कर रही, जब तक रद्द नहीं करेगी हम ऐसे तो घर बनाते रहेंगे। ये आइडिया कैसे आया कि ऐसे होगा कि 3.5 फीट ऊपर नीचे ऐसे? एडिया मिस्त्री को बुलाया, मिस्त्री ने सामने दसा भी ऐसे करो, मिस्त्री के साथ मिल्क चक नाल ला के बनवा लिया। तो इसमें कितने लोग रहेंगे? इसमें 35-40 लोग काम पा सकते जी। 35 लोग रहेंगे और ऊपर एस्बेस्टस है ता जी, धुप लग जाए ज़्यादा तप जाती है कि डोर सीन लगने पड़ेगी जी। और ये दरवाजे भी लग गए यहाँ पे, ये भी पक्के दरवाजे लग गए, देखिए ऐसे ये दरवाजे पूरे हैं। ये अलग बात है कि नीचे ये कपड़े का बनाया, इसको जो भी बोलेंगे पता नहीं, जालीदार है, नर्सरी में मैंने बहुत देखा है। जो झोने की पराली होती है ना,
वो डाली जाएगी, हमारा आदमी गया है गांव में। ओ, इसके ऊपर पराली डाली जाएगी। पराली डालने से क्या होगा कि इसकी गर्मी तपिश एस्बेस्टस के ऊपर पराली डाल देने से ऊपर से गर्मी नहीं आएगी। टेम्परेचर है जो वो लो होएगा, तो इसीलिए हमारा आदमी गांव में गया है, जहां से मिली नहीं गांव में गया है। और प्रॉपर पावर पॉइंट यहां लग गए पंखे और 24 घंटे वाली लाइट खुद लेकर आए हैं। कहां से लेके आए? मैं जहां से लेकर आए हैं, 900 फुट हमने 900 फुट केबल अपनी डाली है और जनरेटर वगैरह आ रहे हैं। 900 फीट केबल डाल लिए और जनरेटर वगैरह अपना आ रहे हैं, साथ में फ्रिज वगैरह आ रहे हैं, सभी कुछ आ रहे हैं। कहाँ से? अब सारे लोग सभी बरनाला के है, 300 किलोमीटर पड़ता है, जहाँ बरनाला से भी आगे है ये 20 किलोमीटर जहाँ से आए। अच्छा, ये बाहर आइए अब जरा, ये घर तो हमने दिखाया, ये जहाँ मैं टिकरी बॉर्डर के इलाके में हूँ। टिकरी बॉर्डर को समझिए, हर वीडियो में मैं समझाता हूँ, जहाँ मैं हूँ ये टिकरी बॉर्डर का स्टेज है, उससे मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर आगे है और यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे बहादुरगढ़ है और उसके बाद केएमपी है। तो ये 15-16 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहाँ किसानों का ये जत्था है। कहाँ से आ रही हैं आप लोग? बरनाला जिला। अच्छा, सारे लोग बरनाला जिला के? सारे बरनाले वाले हैं। एक बात आपको और बताता हूँ, जो मेडिकल कैंप है वे ये भी बरनाला का है, चाहे इसमें लाखों आदमी आए, जितना मर्जी आए, आल है, सभी के लिए है मेडिकल सुविधा। जब से जय संघर्ष शुरू है तब से मेडिकल कैंप चल रहा है। ये बताओ, घर से आप 300-350 किलोमीटर दूर हो बरनाला से, और उसके बाद ऐसा शेड और शेड बना के, या जैसे भी आप यहाँ रहोगे, 3.5 महीने कट गए, तो ये तो फिर इसका मतलब आपने मान लिया कि 4-6 महीने यहाँ रहने हैं? ये हमने नहीं माना, हम मैसेज दे रहे हैं सरकारों को, क्यों उन्होंने सोचा कि अब कटाई का मौसम है चले जाएंगे, अब कटाई का मौसम चले जाए, नहीं ऐसा नहीं होएगा। हमने अपने पक्के घर बना ले, तंबुओं से हमने घर बना ले हैं, जाएंगे नहीं, अपने हक लेकर वापस जाएंगे। इसीलिए हमने सरकारों को दिखाया है असी जाने वाले नहीं, हमने पक्के डेरे लगा लेने। हाँ, तो ये सही है कि गेहूं की कटाई का सीजन है, गन्ने की कटाई होने वाली है अप्रैल मई में, तो ये आकलन अनुमान बहुत लोगों का है कि, और सरकार में बैठे लोगों को भी लग रहा होगा, एक तो गर्मी भयंकर होने वाली है, गर्मी में कई तरह की मुश्किलें होती है, और पानी बिजली की मुश्किल, सड़क तो है ही, और उसके बाद कटाई होगी तो कैसे किसान यहाँ रहेंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली की भी वहाँ ज़रूरत होगी, तो ये अपने आप धीरे धीरे यहाँ से दफा होंगे, शायद ऐसा भी सोच रहे होंगे, लेकिन कैसे कटाई और मैनेज करोगे, गेहूँ की कटाई होगी और पंजाब में हरियाणा में जहां सबसे अधिक किसान, यहां सबसे अधिक गेहूं की फसल होती है, और ट्रैक्टर ट्रॉली भी यहां आपकी होगी, तो कैसे होगा? वो प्रबंध हो चुका है, अब से पहले हो चुका है। क्यों हो चुका है? हमारे जो क्लब है, क्लबों में नौजवान लड़के हैं, उन्होंने बोला आप किसानों को यहां को आने की कोई जरूरत नहीं, हम क्लबों वाले सब कुछ हम, क्योंकि जो अब मशीन से कटाई होती है, कंबाइन वगैरह से कटाई होती है, 5-7 दिन का होता है, कुछ आदमी जाएगा और कुछ यहीं रहेंगे। आप कहां से हो? तो हमारे जनरेटर वगैरह आ रहे हैं, जैसे कूलर पखे पहले चलते थे, एसी वगैरह चलते थे, फ्रिज वगैरह चलते, सभी कुछ ऐसे चलेगा, कोई कमी 2-4-6 महीने के लिए, चाहे 2 साल लग जाए, कोई बात नहीं है। तो ये देख लो, सरकार और सरकार का समर्थन करने वाले मीडिया के चैनल्स जो सोच रहे हैं कि ये किसान की रवानगी हो रही है, वो ये देख लें कि किसानों ने ये यहाँ पक्का मोर्चा बनाया है और महीनों का इंतजाम तो कर लिया है, अगर सालों रहना पड़ जाए तो, अगर सालों रहना पड़ जाए, सालों मतलब ईयर्स, अभी आप महीनों की बात करें, 2-4-5 महीने तो इसमें कटेंगे। अगर संघर्ष के लिए जान भी जाए, लास्ट पॉइंट है मेरा, अगर जान भी जाएगी ना, तो एक एक किसान अपनी जान देने के लिए तैयार है, पर अपने हक लेकर रहेगा। हमारे पहला भगत सिंह होए ने, राजगुरु होए ने, सखदेव गुरु होए ने, शहीद ऊधम सिंह होए, जो एक पंजाब के होए ने, तो कोई बात नहीं जी, और शहीदी चाहती है सरकार तो और देने के लिए तैयार है। अब 400 से आगे चलेगी गिनती और आ जाएगी, तो कोई बात नहीं है, पर अपने हक लेकर, क्यों जो गाँव के लोग हैं, जो गाँव में रह रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं कुछ लेकर आना, ऐसा मत आना, इसीलिए हम कुछ लेकर ही जाएंगे। चलिए, तो ये मेरा मकसद था, ये दिखाना कि इंतजाम कितना पक्का हो रहा है, और ये दिखाना भी कि ये कतार, यहाँ तो अभी बात करते करते इतने लोग यहाँ जमा हो गए, ये दिखाना भी कि ये कतार कितनी लंबी है, ये दोनों तरफ
ट्रैक्टर्स की कतार आप देख रहे हैं, दोपहर का वक्त है चूंकि गर्मी हो रही है इसलिए बहुत किसान ट्रॉली में हैं, ट्रैक्टर्स की ट्रॉली में हैं, पीछे कुछ जो बना रखे हैं रहने के इंतजाम जो कर रखे हैं वहाँ हैं, और बहुत सारे किसान दोपहर के वक्त में जो स्टेज होता है वहाँ जाते हैं, 11 से 4 बजे तक वहाँ भाषण होता है और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ आते हैं। ये देखिए एक और मुझे दिख रहा है, ये भी कुछ इंतजाम हुआ है कुछ अलग किस्म का, अभी इसमें लोग शायद इसमें भी नहीं दिख रहे हैं, दोपहर का टाइम है तो तरह तरह का इनोवेटिव आइडिया के साथ ही लोग इंतजाम कर रहे हैं। इसके ऊपर प्लास्टिक है और धूप से बचने का इंतजाम। हाँ मेडिकल कैंप मैंने देख लिया, बगल में मेडिकल कैंप देख लिया। और अब कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं आपको दोस्तों, ऐसे और किसानों के इंतजाम के, पक्के इंतजाम के। यहाँ देखिए यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं दिख रही हैं, और यहाँ तो ये फ्रीजर है क्या, ये फ्रिज है, मांजे भी ले आवांगे, गायें भी ले आवांगे, मैसा भी ले आवांगे, जिन्ने चिर मोदी मनने का नहीं असी तो आप जानते ही नहीं, पंजाब में इतनी रहा जिद्दे मोदी। किस डिस्ट्रिक्ट से हो आप, किस जिले से? बरनाला जिला। बरनाला के ये यहाँ इतना बड़ा फ्रिज है, ये इधर पंखा है और उधर पीछे टीवी भी चल रहा है, ये डिश का इंतजाम भी यहाँ से हो गया है, और ये इतनी महिलाएं हैं यहाँ पे, महिलाओं का ये जत्था है। तो भाई ये देखिए, और इसमें सब अपना दूध 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 लस्सी दूध लस्सी पानी आटा कुट सारा इस फ्रिज में है, बहुत बड़ा फ्रिज में इंतजाम है। तो गर्मी का इंतजाम हो गया है, जो गर्मी शुरू थी जो असि धरना मजारा 1 जून तो 2 जून तो शुरू करता सी उदो नहीं चलता हों सा, हूँ दोबारे गर्मी आ गई, जून आने वाली है, हम किसान हैं, खेती करते हैं, धूप में ही रहते हैं, ये धूप और किसान का 9 मास का रिश्ता है, गर्मी हमको कुछ नहीं कहेगी। असली बात यही है कह रहे हैं कि किसान का सूरज से भी और मतलब गर्मी से भी और ठंड से भी सर्दियों से भी रिश्ता है, इसीलिए संतरा मोदासी है बरनाले का, झंडा खराब लग रहा है ना, बरनाले के रहने वाला संतरा मोदासी है, उसी ने इसीलिए कहा सूरज आवे तू मगदा नहीं कमियां दे वे मां धरती है तेरी गोद नो चंद होर बथेरे, है जी सूरज और किसान, सूरज हमारा बाप है हम उसके बेटे हैं, हमको कुछ नहीं करेगा। चलिए तो ये सिर्फ तस्वीरें इस बात के लिए कि अगर ये ऐसे ही किसान 4-6-8 महीने बैठे रह गए, सरकार सोचती रही कि आंदोलन ख़त्म होने की दिशा में है या ख़त्म हो जाएगा या किसानों की तादाद बहुत कम हो गई, और जो चैनल्स और सरकार को समर्थन करने वाले मीडिया के लोग ये समझने लगे कि किसानों की तादाद कम हो रही है और धीरे धीरे यह आंदोलन समाप्ति की ओर है, उनका मुगालता टूटेगा अगर पता चलेगा कि जून जुलाई मई में गर्मी की भयंकर 45 डिग्री जब टेम्परेचर होगा तब भी किसान यहाँ 15-17 किलोमीटर यहीं बैठे होंगे। अब ये देखिए यहाँ भी बांस बल्ले गाड़े जा रहे हैं, सब पक्के मोर्चे का इंतजाम कर रहे हो आप? हाँ जी, हाँ बाबा जी पक्के मोर्चे ला रहे हैं जी। इसके ऊपर क्या डालोगे आप? ऊपर ले आए जी, ऊपर वो जाल डाल के जी ऊपर। आप किस जिले से हो? पटियाला जी। ये पटियाला के हैं, वो बरनाला के थे। तो गर्मी से बचने का ये सब इंतजाम है। आप लोग किस जिस डिस्ट्रिक्ट से हो, किस जिले से? पटियाला जिला। सब लोग पटियाला जिले से? असी नाभे जिले का। आप नाभे के हो, तो ऐसे सड़क पे यहाँ ऐसे आप लोग खाना वाना बना रहे हो, अब तो बहुत गर्मी आने वाली है, अब मोदी जी मान रहे नहीं है तब फिर कैसे चलेगा, गर्मी बहुत पड़ेगी तो नहीं जाएंगे, मच्छर लगा लेंगे, मच्छरदानी लगा लेंगे, भूखे बैठने के लिए तो आपके गुरु नानक इंतजाम कर गए हैं, बाबा नानक का लंगर चलता रहेगा, बस चलता रहेगा, ढिड भर के रोटी खा लेंगे, बैठे रहेंगे।
करके जाएंगे, फैसला करके जाएंगे। फैसला अगर नहीं हुआ दो साल तक नहीं जाने वाले हैं भाई, ये सब कोई जाने वाला यहाँ से नहीं है। अब चूंकि मैं आपको किसानों के पक्के इंतजाम दिखाने आया हूँ, जिससे आपको अंदाजा हो पूरी तरह से कि टिकरी बॉर्डर पर डटे और जमे ये किसान 105 दिन भले हो गए, लेकिन इन्होंने तैयारी अगले 205 दिनों तक की भी कर रखी है। अब ये देखिए क्या है, और उसके बाद मैं इसके पीछे जाऊंगा दिखाऊंगा। ये एक ट्रॉली है, एक ये दूसरी ट्रॉली है, ट्रैक्टर की ट्रॉली जो आप पहचानते होंगे, बीच में अब जो भी चीज़ है पता नहीं, अंदर जाके देखते हैं। दो ट्रॉली, उसके ऊपर ऐसे कुछ बनाया गया है। ये क्या लिखा हुआ, कोई बता सकता है इस पर क्या लिखा हुआ है, इस पर क्या लिखा हुआ है? समालसर। समालसर, समालसर कोई गांव होगा, मतलब ये समालसर इस पर लिखा हुआ है। मोगे जिले का है। हाँ जी, मोगे जिले का है। और यहाँ दो कूलर बाहर रखा हुआ है, और यहाँ ये बांस का ऐसे करके कुछ बनाया गया है ताकि अंदर घर नुमा लगे। देखते हैं अंदर क्या। एक ट्रॉली फिर है, तो ये तीन ट्रॉली है, और यहाँ से वहाँ तक 30-35 मीटर या 40 मीटर ये लंबा है। अब जरा पीछे चलते हैं, यहाँ भी जो लिखा हुआ पंजाबी में, ये भी क्या लिखा हुआ है? समालसर लिखा हुआ है। तो मतलब समालसर वालों का है, बताया गया कि मोगा में है समालसर। और पीछे फिर एक ट्रॉली है, चौथी ट्रॉली। अब इसके अंदर क्या है, चलिए आइए, इससे आपको अंदाजा लगेगा, और ये देखना समझना जरूरी है। अब ये देखिए अंदर, अब ये रहने का इंतजाम है। ये ट्रॉली, उधर ट्रॉली देखा, और बीच में ये ड्राइंग रूम टाइप का कुछ बन रहा है। और यहाँ ये क्या है, ये वाटर कूलर है। दो बाहर कूलर दिखा, तीन कूलर यहाँ है, और यहाँ इलेक्ट्रिक की फिटिंग भी कर रहे हैं। पंखे दो लग गए भाई साहब, ये तो ज़बरदस्त इंतजाम कर लिया आपने। थोड़ा आ गया ये, थोड़ा आ गया ये। और वो बिजली का करंट लेके मत आइएगा, कितना वोल्ट है उसमें? ये वोल्ट तो छोड़ते नहीं, अब जुगाड़ कर रहे हैं। हाँ, तो वो करंट मतलब हम छोड़ नहीं रहे, पर आप जुगाड़ करेंगे, पंजाबी जुगाड़ करता है। जुगाड़ करता है। अब बैटरी भी वहाँ दिख रही है, दो तीन बैटरी, इन्वर्टर, सारे इंतजाम आपने कर लिए। जुगाड़ भी है, इंतजाम भी है, पंखे टंगे, कूलर तीन यहाँ दो बाहर, और तीन चार ट्रॉली भी लाइन में। और पीछे देखिए चंद्रशेखर आज़ाद की तस्वीर है, चंद्रशेखर आज़ाद की तस्वीर है। मैं जूते खोलता हूँ, रुकिए 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 रुकिए, जूते खोल के आता हूँ। हाँ जी, दिखाइए। पूरा गर्मी का प्रबंध हो रहा है, फिटिंग कर रहे हैं खुद ही। इधर हमारा पानी का स्टोरेज है, एक 10 दिन का 1000 लीटर हम गांव से लेके आए थे, वो स्टोर है हमारा। और इधर पानी का, इधर राशन का, 6 महीने के राशन का। ओहो, तो एक ट्रॉली फिर है। तो मतलब एक ट्रॉली, दो ट्रॉली और तीन ट्रॉली ऐसे कतार में। इस एक ट्रॉली में राशन है, इस ट्रॉली में पानी का स्टोरेज है, इस ट्रॉली में क्या है, सोने का इंतजाम है, सोने का इंतजाम है। और ये बीच में ये ड्राइंग रूम जैसा बना रहे, पंखा कूलर सब सोलर फिट कर रहे हैं। अब नाल सोलर भी, एक प्लेट बगल में देख लीजिए, ये सोलर भी है। हमारे आपके घर में या तो जनरेटर होता है एक बैकअप, या इन्वर्टर होता है एक बैकअप। यहाँ ये इन्वर्टर भी है, जनरेटर भी आने वाला है। हाँ, जनरेटर आने वाला, और फ्रिज भी आने वाली है, जनरेटर भी आने वाला है, सोलर भी है। तो तीन इंतजाम हो गए, सोलर, इन्वर्टर, जनरेटर, और बिजली तो है ही, स्ट्रीट लाइट से कनेक्शन लेकर बिजली हर किसानों के हर ठिए पर यहाँ पहुँच। अब रात की स्ट्रीट लाइट की भी इन्होंने बिजली काटी है। अच्छा। और जुगाड़ कर रहे हैं, सोलर का जुगाड़ कर रहे हैं, पर अब जाएंगे नहीं यहाँ से। अच्छा। 2 साल का हमने मन बना लिया है। आज हमने स्टेज से छुट्टी ली है अग्रवाल साहब से, तो आज आप फिटिंग कर रहे हैं। समालसर हमारा डिस्ट्रिक्ट है मोगा, तो गांव है समालसर, गांव है समालसर, मोगा के हैं। और तो ये जो इंतजाम आपने इतना, हाँ चाचा सिंह, ये हमारे पहले आंदोलन के बानी है। ये चाचा अजीत सिंह है, जिनका जिक्र मैंने भी कई बार वीडियो में किया है। ये भगत सिंह के चाचा थे, 1907 में इन्होंने आंदोलन किया, आंदोलन चला 9 महीने 17 दिन। उस आंदोलन को पगड़ी संभाल जट्टा के नाम से याद किया जाता है, और अभी आंदोलन की तारीख को याद करते हुए अभी किसानों ने पूरे दिन पगड़ी संभाल जट्टा दिवस भी मनाया था। अब ये बताइए कि यहाँ अजीत सिंह हैं, वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद हैं, और ये आपका रहने का ठिकाना है, और मोदी सरकार का कोई ठिकाना नहीं है कि ये कानून वापस कब होने वाला है। देखो,
कानून वापस तो हमारे जो आगू बैठे हैं उग्रा साहब उनको पता है, पर हमने मन बना लिया एक साल नहीं 10 साल तक भी लड़ेंगे, यहाँ से जाने वाले नहीं। तो ये लोग सुन लें, सरकार के लोग और नेशनल न्यूज़ चैनल्स के लोग जिन्हें लगता है किसान जा चुके और जो बचे हैं वो भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये इधर ये क्या बनाया, ये थोड़ा विंडो जैसा लग रहा है, खिड़की है दरवाज़ा है ये? विंडो 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 बनाइए और मच्छर के मच्छरदानी लगा कर अब वैसे ही प्रबंध करेंगे। ये विंडो बनाइए और ये इधर आइए अभिषेक जी, दिखाइए ये पीछे जो सर्विस लेन है दरअसल रोहतक बहादुरगढ़ हाईवे की, हाईवे पर तो किसानों का ये डेरा है, ये सर्विस लेन है और यहाँ दो बुजुर्ग बैठे हैं। और ये बहुत सारे किसानों ने क्या किया है कि ये जो मिट्टी वाला इलाका है दो सर्विस लेन और हाईवे के बीच, वहाँ गार्डनिंग भी कर रहे हैं और उसको लैंडस्केप भी बना रहे हैं और बहुत मतलब खूबसूरती से लैंडस्केप को बहुत जगह डेवलप किया जा रहा है। आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम है सुखजिंदर सिंह, प्रीत बोलते हैं। तो ये बताओ, ये सवाल भी मैं 50 बार पूछ चुका हूँ सबसे कि ऐसे इतने लोग यहाँ जम जाओगे, बैठ जाओगे आप, खेती किसानी वहाँ है जहाँ मोगा के रहने वाले हो, गेहूँ की कटाई होगी और फसलों की बुआई होगी, कैसे चलेगा ये 4, 6, 8 महीने या 2 साल? अब कह तो रहे हो, चलेगा कैसे? देखो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने भी ऐसे चलाया था, पर अब हमारे जो माँ बाप है, हमारे बच्चे हैं, हमारे घर वाली है, वो जो मेरा काम है, मैं तो 25 गायें हमारे पास और 11 एकड़ की खेती कर रहा हूँ और दुकान भी है हमारी, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, दुकान बंद कर दी और घर में जो भी कारोबार है वो बच्चे और घर वाले माँ बाप सांभ रहे हैं। तो उन्होंने यही बोला कि जब तक जंग जीती ने जय वापस नहीं आना, तो दुकान बंद कर दिया? बंद कर दी और 10,000 उसका किराया पड़ता हमें। देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स की इनकी दुकान है मोगे में है। हाँ, ना समालसर में सर। दुकान बंद करके और यहाँ आ गए हैं आप सब लोग समालसर के हैं? समालसर मोगे में। तो ये मकसद मेरा दोस्तों सिर्फ इतना दिखाने का था क्योंकि बहुत सारे लोगों को, सरकार और सरकार समर्थक लोगों को लगता है कि किसान बहुत कम बच गए हैं, ट्रॉलियाँ खाली हैं और जो बच गए हैं वो भी गर्मी झेल नहीं पाएंगे और वो अगले महीने 2 महीने में चले जाएंगे। जिस आंदोलन को सरकार नज़रअंदाज कर रही है, जिस सरकार से किसान नेताओं की संवादहीनता के 1.5 महीने से ज़्यादा हो गए, उस आंदोलन को की धार को ख़त्म होने का कयास जो लोग लगा रहे हैं, उन्हें झटका देने के लिए ये तस्वीरें। और उसके बाद कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूँ कहीं और से, ऐसे ही सब जगह इंतजाम हो रहा है, कई किलोमीटर तक, 12, 14, 16 किलोमीटर तक चलते हैं।